खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में था और रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इस भूकंप का केंद्र रहा, रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। लोगों ने ये झटके महसूस किए, जिसके बाद लोग अपने घरों से, दुकानों से बाहर निकलकर आ गए अपनी सुरक्षा के लिए। और बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। केंद्र इसका पाकिस्तान बताया जा रहा है, तीव्रता 5.8 बताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसका केंद्र जो है वो पाकिस्तान बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि तीव्रता जो है वो 5.8 मापी गई है। जिन इलाकों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया, उन इलाकों में लोगों में थोड़ी सी दहशत भी देखी गई और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर आ गए, दुकानों से बाहर निकलकर आ गए। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान रहा, यह जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर महसूस किया गया है। और दिल्ली एनसीआर में करीब 1 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र पाकिस्तान के करूर इलाके को बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 आंकी गई है। और बता दें कि जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर यह भूकंप आया था। अभी किसी भी तरह के जान माल से नुकसान की कोई खबर नहीं है। और बता दें कि भूकंप के झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में महसूस किए गए हैं। इसके अलावा यूपी, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। पाकिस्तान से लाहौर और इस्लामाबाद में भी तेज झटके महसूस किए